Hello students, hope you all are good. Our fifth chapter is animal reproduction. इस chapter में हम animals के reproduction के बारे में, उनके babies के बारे में और किस तरह से अपने young ones को produce करते हैं इस बारे में पढ़ेंगे. Let's start. All living things produce their young ones to keep their continuity. लिविंग बींग्स जो है या लिविंग थिंग्स जो है वो क्या करते हैं, अपने यंग वंस अपने बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो उनकी कंटिन्यूटी है या फिर जो उनकी फैमिली है वो क्या है, बढ़ती रहे. द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस रिजेम्बलिंग द पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, क्या कहलाता है, द प्रोसेस जिस प्रोसेस में प्लांट्स और एनिमल्स अपने बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है. डिफरेंट एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज. अलग अलग एनिमल्स क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने बेबीज को रिप्रोड्यूस करते हैं. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस डायरेक्टली. कुछ एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने यंग वंस अपने बेबीज को डायरेक्टली बर्थ देते हैं. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस डायरेक्टली. अदर ले एग्स. कुछ एग्स देते हैं, द यंग्स इज देन हैच्ड फ्रॉम द एग्स आफ्टर सम टाइम. ह्यूमन बेबीज कॉल्स पपीज किटन इट्स आर बॉर्न चिक्स टेडपोल्स फ्राइज लावाज इट्स हैच्ड फ्रॉम द एग्स. जो डायरेक्टली क्या होते हैं, अपने अंदर से एनिमल्स के अंदर से डायरेक्ट निकलते हैं वो बेबीज होते हैं. जो जिन किन किन के निकलते हैं वो एनिमल्स कौन कौन से हैं, ह्यूमन बेबीज है. हम जो हैं वो एग से नहीं निकलते हैं, हम क्या करते हैं सीधा ही या डायरेक्टली हम क्या करते हैं, बर्थ लेते हैं, बॉर्न होते हैं. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन मेमल्स. मेमल्स में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, मेमल्स आर द ओनली एनिमल्स हैव दैट गिव बर्थ टू फुली डेवलप्ड बेबीज. मेमल्स क्या हैं, एक अकेले एनिमल्स हैं जो अपने बेबीज को बर्थ देते हैं और वो बेबी कैसा होता है, फुल डेवलप्ड होता है, यानी कि उसके हैंड्स डेवलप्ड होते हैं, उसके माउथ जो है वो होता है, पूरी बॉडी उसकी क्या होती है, डेवलप्ड होती है. फीमेल मेमल्स हैव ब्रीड्स टू फीड देयर बेबीज विथ मिल्क. फीमेल मेमल्स जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, जो मंकीज है, कैट्स है, उनके जो फीमेल होती है उनके क्या होता है, ब्रीस्ट होता है, ताकि वो बेबीज को फीड कर सकें. दे टेक केयर ऑफ देयर बेबीज इन ऑल रेस्पेक्ट. वो अपने बेबीज का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं. मेमल्स हैव हेयर. मेमल्स के क्या होते हैं, हेयर होते हैं. दे आर वार्म ब्लडेड. उनके गर्म खून होता है. दैट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी डज नॉट चेंज विद आउटसाइड टेम्परेचर. मेमल्स जो हैं उनका क्या होता है, हेयर होते हैं. उनके वार्म ब्लड जो होता है वो वार्म यानी कि गर्म होता है और उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है. सम मेमल्स लाइक वेल आर क्वाइट बिग. सम लाइक रैट आर श्रेन क्वाइट स्मॉल. मोस्ट मेमल्स लिव ऑन लैंड. दे आर ह्यूमन्स काउस गोट्स हॉर्सेस डियर एलिफेंट्स लायन एट्सेट्रा. सम ऑफ देम लाइक मंकीज एंड स्क्वेरल लिव इन ट्रीज. सम अदर like whale and dolphins live in water like fish. few of them like bats can fly in the air. mammals bahut hi zyada type ke hote hain. jaise kya hai, monkey hai aur squirrel. squirrel yani गिलहरी जो है वो कहाँ रहते हैं, ये दोनों रहते हैं trees में. आपने कभी किसी monkey को घर में देखा है, नहीं देखा है, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं, trees पे, पेड़ों पे रहते हैं. ह्यूमन बींग्स है, एलिफेंट्स है, हॉर्सेस है, काउज है, रैट्स है, ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं लैंड पे, ज़मीन पर रहते हैं. डॉल्फिन और वेल मछली जो है, वेल फिश जो है, वो रहते हैं वाटर में. और बैट्स जो है वो क्या होती है, हवा में उड़ती है. मेल एंड फीमेल मेमल्स आर सेपरेटेड. मेल और फीमेल मेमल्स जो है वो अलग अलग है. इट इज़ द फीमेल दैट गिव्स बर्थ टू बेबीज.
बेबीज को बर्थ कौन देता है? फीमेल देता है. यंग वंस ऑफ द मेमल्स डेवलप इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर एंड दे आर बोर्न ओनली व्हेन देयर डेवलपमेंट इज कंप्लीट. यंग वंस जो होते हैं, जो बेबीज होते हैं, वो डेवलप कहाँ करते हैं? मदर की बॉडी में, अपनी माँ की बॉडी के अंदर. जब वो फुल डेवलप्ड, उनकी जो बॉडी डेवलप्ड होना कंप्लीट हो जाती है, फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं, तब वो क्या करते हैं? बॉर्न हो जाते हैं. मदर मेमल सकल देयर यंग वंस इन द बिगिनिंग. बोथ मदर एंड फादर फीड, प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ द बेबीज टिल दे बिकम अडल्ट एंड आर एबल टू फीड themselves. मदर और फादर क्या करते हैं? मदर तो क्या करती है, बर्थ देती है बेबी को. लेकिन जो फादर और मदर मिलके क्या करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं? बेबीज को फीड करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं. कब तक ध्यान रखते हैं? जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, अपने पैरों पर खुद से खड़े नहीं हो जाते और खाना खाने के लिए खुद अपना खाना नहीं बना सकते, तब तक क्या करते हैं? मदर एंड पेरेंट्स जो हैं हमारे, वो क्या करते हैं? हमारा ध्यान रखते हैं. यू मस्ट लुक आफ्टर इवन देयर ग्रैंड चिल्ड्रंस. वी आर ऑल्सो मेमल्स. आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस एंड टेक केयर ऑफ आवर नीड्स. हम जो है, इंसान क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या है, एक प्रकार का मेमल्स ही है. और हमारे जो पेरेंट्स है, वो भी हमारे क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं. नेक्स्ट है एग लेइंग मेमल्स. जो मेमल्स क्या करते हैं, एग के थ्रू बॉर्न करते हैं, एग देते हैं जिसमें से बेबीज प्रोड्यूस होता है, वो क्या कहलाते हैं? लेइंग, एग लेइंग मेमल्स. दीज आर टू मेमल्स दैट डू नॉट गिव बर्थ टू बेबीज बट ले एग्स. यहाँ पर टू टाइप्स के क्या हैं, मेमल्स हैं जो बेबीज को बर्थ नहीं देते हैं, लेकिन क्या करते हैं? एग्स को ले करते हैं, यानी कि एग्स को छोड़ते हैं. वन द डकबिल्ड प्लेटिपस एंड फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. इट हैज अ डक लाइक बीक, अ फरी कोट एंड अ बशी टेल. ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं. कौन कौन से हैं? टू हैं जो क्या करते हैं, एक तो देते हैं लेकिन बेबीज को प्रोड्यूस नहीं करते हैं. दे हैव हेयर, फीड्स इन यंग वंस ऑन मिल्क बट ले एग्स. रिप्रोडक्शन इन अदर एनिमल्स. इंसेक्ट्स, फिश, फ्रॉग्स, स्नेक्स एंड बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. सम एग्स आर वेरी स्मॉल वाइल अदर आर बिग. कुछ एग्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं. और कुछ जो होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं. हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अदर एनिमल्स जो कि हैं, इंसेक्ट्स हैं, फिश हैं, फ्रॉग्स हैं, स्नैक्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं. द एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच आर द बिगेस्ट एग्स इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़े एग्स हैं ऑस्ट्रिच के हैं. सम आर वाइट, अदर हैव डिफरेंट कलर पैटर्न्स. ये जो एग्स हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं. कुछ वाइट होते हैं, कुछ अलग कलर के होते हैं. फीमेल एनिमल्स प्रोड्यूस द एग. फीमेल एनिमल क्या करता है? एग को प्रोड्यूस करता है. द एग्स हैच इनटू बेबीज विद विच ग्रो इनटू अडल्ट्स ऑफ द सेम काइंड एज देयर पेरेंट्स. एग्स, जब ये एग्स को क्या करते हैं, ले करते हैं, तो इनके जो बेबीज होते हैं, वो कैसे होते हैं? बिल्कुल इनकी तरह ही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्पैरो है, वो क्या कर रही है? बर्ड को ले कर रही है. अब बर्ड को क्या किया, सॉरी, एग ले कर रही है. इसमें से जो बेबी निकलेगा, वो क्या होगा? उसके सिमिलर ही होगा या उससे सेम ही होगा. सम एनिमल्स ले अ फ्यू एग्स ओनली, अदर ले थाउजेंड ऑफ एग्स. ऑल द एग्स डू नॉट हैच एट अ टाइम. मैनी ऑफ देम आर ईटन अप बाय अदर एनिमल्स और डिस्ट्रॉयड. एग्स जो होते हैं, ये फिश, फ्रॉग, स्नैक्स और बर्ड्स एग्स जो ले करती है, वो कुछ तो करती है बहुत ही ज़्यादा. थाउजेंड एग्स भी क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं. बट थाउजेंड के थाउजेंड हैच नहीं होते हैं. थाउजेंड के थाउजेंड में से बेबीज नहीं निकलते हैं. क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, कोई है सी है, इसमें क्या है, फिश है. अब ये क्या कर रही है, बहुत सारे एग्स को ले कर रही है, थाउजेंड ऑफ एग्स को ले कर रही है. तो क्या होगा, दूसरी जो फिशेज है, जो एनिमीज है, वो क्या करेगी, एग्स को
खा लेगी और कुछ जो होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो इसमें से 50 या समथिंग रहेंगे, जिसमें से बेबी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स एग्स। बर्ड्स एग्स आर मेड ऑफ हार्ड आउटर शेल्स। बर्ड्स के जो एग्स होते हैं उनका शेल जो होता है, आउटर शेल जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। द शेल प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। द शेल हैज टीनी होल्स फॉर द ऑक्सीजन टू इंटर। शेल्स जो है, जो हार्ड शेल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, टीनी होल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बारीक क्या होते हैं, छेद होते हैं, होल्स होते हैं, ताकि उनमें से क्या हो, ऑक्सीजन इंटर कर सके। विद इन द शेल देयर इज द एल्बुमिन। इट इज अ वाइट थिक लिक्विड कॉल्ड द वाइट ऑफ एन एग। जो लोग एग्स खाते हैं उन्हें पता होगा कि वाइट एग क्या है। व्हाइट क्या कहलाता है, जब बीच में क्या होता है, येलो होता है, किसी एग को आपने देखा होगा बीच में उसके होता है येलो कलर एंड साइड में होता है व्हाइट कलर। व्हाइट थिक लिक्विड कॉल्ड व्हाइट, इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट कहते हैं। इट प्रोटेक्ट द यॉर्क एंड एम्ब्रॉय। इनसाइड इट इज द येलो राउंड यॉर्क द प्रोवाइड्स दैट प्रोवाइड्स फूड टू द ग्रोइंग एम्ब्रॉय बेबी बर्ड। येलो पार्ट जो है वो क्या करता है, बेबी बर्ड को फीड करने में मदद करता है, उसको फूड देता है। और व्हाइट पार्ट जो होता है वो भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किसको, येलो पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। द एग कैन डेवलप्ड इनटू अ बेबी ओनली व्हेन केप्ट वार्म। जब एग को वार्म एरिया में, वार्म प्लेस पे रखा जाए, तभी वो क्या करता है, बेबी में डेवलप्ड होता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। बर्ड्स यूजुअली सिट ओवर द एग्स टू कीप देयर वार्म। स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चिक इज ऑफ अ हैन टेक अबाउट 20 days। द एम्ब्रॉय डेवलप्स फ्रॉम अ रेड स्पॉट इन द यॉर्क। ग्रेजुअली आईज विंग्स लेग्स एंड बॉडी डेवलप्ड बाई द 21 days द चिक कम्स आउट। दीज चिक्स बेबी बर्ड्स डू नॉट हैव फेदर एंड देयर आईज आर क्लोज। द मदर बर्ड्स फीड दैम। बोथ मदर एंड फादर बर्ड टेक केयर ऑफ द बेबी बर्ड टिल दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ एंड लर्न टू फ्लाई एंड फीड दैम सेल्स। इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग है जब बर्ड्स एग्स को रखते हैं, एग्स छोड़ते हैं, तो क्या होता है, उनको किसकी ज़रूरत होती है, उनको वार्मनेस की ज़रूरत होती है, गर्मी की ज़रूरत होती है। अब बर्ड्स उनको गर्मी कैसे देते हैं, उस पर बैठ कर, उस पर क्या करते हैं, बैठते हैं ये, ताकि वो जो एग है वो क्या रहे, वार्म रहे। जब वो एग्स में से बेबी बर्ड के आने के दिन होते हैं, 20 days के अंदर क्या होता है, ये बेबी जाता है। 20 days के अंदर बेबी इनका क्या होता है, डेवलप्ड होता है। मैमल्स यानी कि हमारे अंदर जो है, ह्यूमंस बींग्स के अंदर 9 months लगते हैं, इसी तरह से बर्ड्स को लगते हैं 20 days। 20 days के अंदर ये क्या होते हैं, बेबी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये कन्वर्ट होने लगते हैं तो अपने आप क्या होता है, एग्स को क्या करते हैं, टूट जाता है एग और ये बाहर आने लगते हैं। जब बेबी बाहर आते हैं तो इनकी आईज क्या होती है, क्लोज होती है, आईज इनकी क्लोज होती है और ये इनके फेदर्स नहीं हो सकते, नहीं होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, ये उड़ नहीं सकते हैं। इनके जो पेरेंट्स हैं, जो मदर बर्ड या फादर बर्ड है, वो क्या करती है, इनका ध्यान रखती है, इनको फूड देती है, और जब तक ये उड़ नहीं सकते तब तक इनको क्या कराती है, ध्यान रखती है। उसके बाद ये जब बड़े होने लगते हैं, जब ये अडल्ट होने लगते हैं, तो इनको क्या कराती है, उड़ना सिखाती है। आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।